हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 18 सितंबर 2020 का हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखने को मिलेगा, उसके लिए WWE ने कौन कौन से मैचेज और सेगमेंट को अनाउंस कर दिए हैं और कैसे कजिन वर्सेस कजिन का हमें ब्रॉल भी देखने को मिल सकता है, एक बड़ा रिटर्न जो कि ऑफिशियली भी एडवर्टाइज हो चुका है, तो एक छोटी सी हाईलाइट्स भी देख लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दे। चलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फाइनली WWE ने ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है कि जो कल का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होगा वहां पे हमें कजिन वर्सेस कजिन का प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। यानी कि गाइस, आपको पता होगा कि एट क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 रोमन रेंज वर्सेस जे उसो का मैच हमें देखने को मिलेगा फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। लेकिन गाइस, फाइनली ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि जो क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 से पहले का जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होगा वहां पे इन दोनों भाइयों का हमें प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। फिर गाइस, सभी लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि जो इससे पहले का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखने को मिलेगा वहां पे हमें ब्रॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइस, हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है। टैग टीम मैच में काफी सारे कांड होते हैं जो कि आपको मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन गाइस, ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि जे उसो एंड रोमन रेंस का हमें प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा जहां पे पॉल हेमन भी होंगे। तो गाइस, ऐसा हो सकता है कि पॉल हेमन होने वाले हैं, तो गाइस ऐसा हो सकता है कि हमें माइक का प्रोमो देखने को मिल सकता है, नहीं तो गाइस ऐसा भी हो सकता है कि प्रोमो कट ना हो, और ऐसा हो सकता है कि दोनों भाइयों के बीच में हम एक काफी तगड़ा कोलैब भी देखने को मिल सकता है। और गाइस, सेकंड सेगमेंट नहीं बल्कि हमें रिटर्न देखने को मिलेगा साशा बैंक का। वेल गाइस, आपको पता होगा कि हमें क्या देखने को मिलता है जब वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, गोल्डन रोल मॉडल जब इस मैच को हार जाती हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि बेली अटैक कर देती हैं साशा बैंक पे, साशा बैंक इंजर्ड हो जाती हैं, साशा बैंक पहले क्या होता है कि हॉस्पिटल में भी एडमिट होती हैं, फिर डिस्चार्ज हो जाती हैं, काफ़ी सारे अपडेट आती है। लेकिन गाइस, ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि जो कल का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होगा वहां पे हमें बेली का नहीं बल्कि साशा बैंक का एप्रियंस देखने को मिलेगा, यानी कि रिटर्न देखने को मिलेगा। और गाइस, आपको पता होगा कि ऑफिशियली भी एडवर्टाइज हो चुका है कि एट क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप निकी क्रॉस वर्सेस बेली का मैच देखने को मिलेगा। तो गाइस, ऐसा हो सकता है कि साशा बैंक आके अटैक कर सकती हैं बेली पे, और गाइस ऐसा भी हो सकता है कि साशा बैंक बदला लेने का कोशिश करेंगे बेली पे, और गाइस ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है कि साशा बैंक एंड निकी क्रॉस अटैक कर सकती हैं बेली पे, और ऐसे हमें टीज मिल जाएगा कि साशा बैंक शायद बदला लेने का कोशिश करने वाली हैं बेली से। और गाइस, थर्ड सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस शिंसुके नाकामुरा एंड सिजारो का। वेल गाइस, आपको पता होगा कि सभी लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि एट क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 रॉ टैग टीम चैंपियंस वर्सेस स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस के बीच में हमें मैच देखने को मिल सकता है, और जो भी इस मैच को जीतेगा वो यूनिफाइड टैग टीम कहलाएगा। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं होता है, ये मैच हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन गाइस, ऐसा हो सकता है कि जो कल का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होगा वहां पे हमें हिंट मिल जाएगा कि शिंसुके नाकामुरा एंड सिजारो को कौन फेस करेगा फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप एट क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020, और हमें यह भी पता चल जाएगा कि इनका ओपोनेंट कौन होने वाला है। और गाइस, फोर्थ और सेकेंड लास्ट सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जेफ हार्डी का, ओल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सेमी ज़ेन का एंड एजे स्टाइल का। वेल गाइस, आपको पता होगा कि जब इस वीक से पहले का हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखने को मिलता है, एजे स्टाइल वर्सेज जेफ हार्डी का हमें मैच देखने को मिलता है, इस मैच का कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है क्योंकि सेमी ज़ेन आके इन्वेस्ट कर देते हैं, सेमी ज़ेन एजे स्टाइल एंड जेफ हार्डी पे अटैक करते हैं। गाइस, हमें क्या देखने को मिलता है कि जेफ हार्डी काफ़ी ब्रूटल तरीके से इंजर्ड भी हो जाते हैं। और गाइस, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि WWE के बैकस्टेज प्लान है कि एट क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा, यानी कि एजे स्टाइल वर्सेस सेमी ज़ेन वर्सेस जेफ हार्डी के बीच में। तो गाइस, ऐसा हो सकता है कि कल ये ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा कि एट क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप सेमी ज़ेन वर्सेस जेफ हार्डी वर्सेस एजे स्टाइल का हमें मैच देखने को मिल सकता है। और गाइस, लास्ट सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है हेवी मशीनरी एंड मिज एंड जॉन मॉरिसन की ओर से। वेल गाइस, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अभी ओटिस को WWE काफ़ी ज़्यादा माइंडेड दिखा रही है, कभी क्या देखने को मिलता है, कभी जॉन मॉरिसन मनी इन द बैंक को अपने पास रख लेते हैं या ये बोले कि चोरी कर लेते हैं, कभी मिज चोरी कर लेते हैं लेकिन जो उसके अंदर का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वही गायब होता है, कभी टिफिन बॉक्स में होता है तो कभी जो ओरिजिनल मनी इन द बैंक होता है उसमें होता है। तो गाइस, ऐसा हो सकता है कि जो इस वीक का हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखने को मिलेगा, WWE यूनिवर्स ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि मिज वर्सेस ओटिस का हमें मैच देखने को मिल सकता है एट क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020। तो गाइस, ऐसा हो सकता है कि कल ये टीज हमें मिल जाएगा, नहीं तो गाइस ऐसा भी हो सकता है कि कल हमें एक टैग टीम मैच भी देखने को मिल सकता है।
हुआ है हेवी मशीनरी वर्सेस मिस एन मॉरिसन के बीच में। तो गाइस कुछ यही सेगमेंट है जो कि ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुके हैं और कुछ रूमर्स किए गए हैं, तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फाइनली बाय फ्रेंड्स।